हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि पर चैत्र नवरात्रि आती है। इस नवरात्रि पर माँ के नौ रूपों की आराधना की जाती है। माता रानी के नौ में से एक दुर्गा माँ के रूप को सुख शांति और लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि कल से ही शुरू होने वाली है। इस बार 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि में माँ के नौ रूपों की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में माँ की पूजा करने से सारी इच्छा पूरी होती है। नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली कलश पूजा को घट स्थापना कहते हैं। माँ के नौ रूपों के नाम शैलपुत्री, ब्रह्माचारिणी, चंद्रघटा, माँ कुष्मांडा, स्कंदन माता, कात्यानी, कालरात्रि, महागौरी और क्षितिदात्री है। वही ज्योतिष शास्त्र की माने तो चैत्र नवरात्रि दो राशि वालों के लिए शुभ है। नवरात्रि के दिनों में इन दो राशि वालों को अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। इस नवरात्रि पर ग्रहों की दिशा बदलने वाली है। इन ग्रहों के परिवर्तन से लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे। इस नवरात्रि ग्रहों में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे कई तरह की परेशानियां दूर हो जाएगी। इस चैत्र नवरात्रि मकर राशि में शनि और मंगल ग्रह का प्रवेश होगा। शनि और मंगल ग्रह को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। इन दो राशियों का घूमना अशुभ माना जाता है, लेकिन मेष और कुंभ राशि वालों के लिए इस नवरात्रि शुभ होगी। जो लोग इस नवरात्रि को पूरे दिल से 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें इन राशियों का फायदा मिलेगा। घट स्थापना का दिन रहेगा 2 अप्रैल। घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:10 से लेकर 8:31 तक। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।